चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नई चरों के आपके लाए आज डेढ़ दर्जन खबरें आपके पास, पर हम बात करेंगे सबसे पहले बीते हुए कल की, यानी 10 फरवरी की, यानी माघ कृष्ण चतुर्दशी की, यानी आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की। अरे नहीं नहीं, इन सबसे महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि 89 दिन बाद मोक्ष कल्याण आया, इन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आया और बड़े चुपचाप तरंग से हमने मना के चुपचाप खत्म कर दिया। जी हाँ, पर्व और त्योहार में फर्क है। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े त्योहार की। हम मनाते हैं महावीर मोक्ष कल्याणक, पर वो भी कम मनाते हैं। हम तो मनाते हैं लक्ष्मी वाली दिवाली, रोशन करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अगर हमने इस आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण को उसी स्वरूप में जिस दिन से हमने करना बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से कहते हैं जैनों की पहचान ही अलग हो जाएगी। आदिनाथ मोक्ष कल्याण पे घर हो चाहे मंदिर हो, दूध या रोशनी में जगमग कर दे, जन जन को हम प्रसाद बांटे, रथ यात्राएं निकालें, गोष्ठियां करें, हमारे इस कर्तव्य के लिए हमारे संत और विद्वान आगे हैं, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब 2547 में मिटा हुआ हमारा सिमटा हुआ जैन इतिहास हमारा करोड़ों वर्ष के इतिहास में अपने आप पन्ने खुलने से जाएंगे। अंधेरे में प्रकाश करने कोई अजैन नहीं आएगा, कोई भार से नहीं आएगा, कोई सरकार नहीं आएगी, कोई पुरातत्व विभाग नहीं खंगालेगा, इसे स्वयं हमको खंगालना होगा, हमें ही जागृति लानी होगी। पर आज हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ फरवरी के बारे में बात। फरवरी खुशियों से पहले किरकिरी, शीर्षक पढ़ लिया आपने। जी हाँ, दो खुशियां भी मिली हैं, पर उससे पहले हमें आधा दर्जन चोरियों की लगातार सिलसिला पहले 8 दिन में मिल गया है। 5 संतों के समाधि मरण हो गए हैं, 2 सड़क दुर्घटनाएं संतों के साथ हो गई, 1 में दर्दनाक मृत्यु तक हुई है। ऐसी कई खबरें आपको साथ देंगे, आज शुरू करते हैं आगे जरों का। पर सबसे पहले एक बार और कहते हैं आपसे, www.channelmahalakshmi.com, जिस तरीके से हमें YouTube पर इस चैनल महालक्ष्मी को नंबर 1 बनाया है ना समाचारों के लिए, उसी गर्व से आपको आपको वेबसाइट दे रहे हैं। इसी का ऐप है चैनल महालक्ष्मी, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोज नए समाचार, नई जानकारी से मिलेंगी, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको 1 साल के भीतर 2021 से पहले आप इसको सबसे लोकप्रिय मान लेंगे। शुरू करते हैं आज का जरूर की खबरें 18 आपके साथ। महाराष्ट्र में मिल रही है प्रतिमाएं और कर्नाटक में मिल रहा है पूरा का पूरा जैन मंदिर। किरकिरी से पहले खुशी की बात कर लेते हैं, पिछले 2 दिन की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो बात कर रहे हैं, सांगली जिले के हम मालेगांव में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, और वहीं पर खुदाई में यह प्रतिमाएं मिल रही हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, अनेक तरह की तीर्थंकर प्रतिमाएं यहां पर। और इससे बड़ी खुशखबरी बात पूरे देश के लिए है कि कर्नाटक की बात करते हैं हम, हासन जिले में हलेठी की बात कर रहे हैं। जो चित्र आप देख रहे हैं वैसे सारे मालेगांव के हैं, यहां पर कर्नाटक का चित्र नहीं है। वहां पर 20 जनवरी से शांतिनाथ मंदिर के पास ASI की खुदाई चल रही है, और खुदाई में ASI के अधिकारी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया है आज सुबह, बिल्कुल एक्सक्लूसिव बताया है कि यहां पर एक विशाल मंच मिला है जिस पर पूरा का पूरा जैन मंदिर टिका हुआ है। जो अभी तक खुदाई हो रही है उसमें 100 मीटर x 65 मीटर का पूरा एक मंच के ऊपर एक जैन मंदिर है, जिसमें अनेक प्रतिमाएं हैं, अनेक हमारे पहचान की वस्तु हैं। यहां पर अभी उन्होंने कोई फोटो देने की इजाजत नहीं की है, बिल्कुल तरीके से खुदाई चल रही है। हमारी संस्थाओं को जागरूक रहना हुआ, क्योंकि यह पूरा का पूरा मंदिर मिलना हमारे लिए 12वीं 14वीं करी गए जो सदी है हॉयस काल की, उसको प्रमाणित करता है कि हमारी जैन बस्ती में कितना वहां पर जैन समुदाय था। फरवरी के पहले 8 दिन में 6 मंदिरों में चोरी डकैती। जी हाँ, तभी तो कहते हैं फरवरी की शुरुआत बड़ी किरकिरी रही, अब शक्ल रही, खराब रही। और शुरुआत हम उल्टा ही करते हैं 8 फरवरी से। 8 फरवरी चित्र देख रहे हैं आप CCTV के, वेहलना अति क्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। दरवाजे के पेस एक आदमी बाईं देखता है, दाएं देखता है, और फिर बाईं तरफ बढ़ जाता है, आगे जाता है, 2 स्वर्ण कुंजियां उठा लेता है और चंपत हो जाता है। 3.25 लाख रुपए की है कुंजिया, यानी आप नहीं समझे, जिससे हम जिन भूमि पर अभिषेक करते हैं वह सोने की लुटिया लेकर चंपत। और आप देखिए दूसरा वीडियो जिसमें वो बाहर का CCTV कैसे बताता है कि कैसे स्कूटर लेकर आनंद फान हो जाता है। यह कोई श्रावक नहीं हो सकता, यह कोई धर्म प्रेमी नहीं हो सकता, यह कोई जैन नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर में चोरी करने वाला कभी धार्मिक तो हो ही नहीं सकता। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में 6 मंदिरों के ताले तोड़े,
दो में चोरी और चोर पकड़ा। जी हां, अब हम बात करते हैं 6 और 7 फरवरी की रात की। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी रैसनगिरी में है, बक्सवा छतरपुर क्षेत्र में। यहां पर चोर आया, उसने 6 मंदिरों के ताले तोड़ लिए, 31 और 32 से छत्र चुरा लिए। उसके बाद 4 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर और 37 नंबर मंदिरों के ताले तोड़ लिए और अंदर मूर्ति, छत्र और दान पेटी का लूटने की कोशिश की, पर अदृश्य शक्ति ने जैसे उसको रोक दिया, बांध दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और फिर खोजी कुत्तों के सारे पुलिस ने जगह जगह ढूंढने की कोशिश की, और देखिए अदृश्य शक्ति कैसी थी कि वह नैनागिरी स्टैंड के ऊपर से तुरंत पकड़ लिया गया दोनों छत्रों के साथ। चंद्रभान नाम है उसका। ऐसी होती है कृपा, और इसके लिए हमें पुलिस को धन्यवाद देना ही चाहिए। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत, आपकी टीम के साथ सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। इजारा नवग्रह मंदिर में चोरी लगातार फरवरी में तीसरी बार। फरवरी विशेषकर नवग्रह मंदिर के लिए जैसे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। 5 फरवरी रात्रि का दृश्य सीसीटीवी का आप देख रहे हैं, कैसे एक चोर 2 वीडियो के बीच में इधर उधर देखता है और फिर अष्ट धातु की मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा उठा के चोरी कर लेता है। यहां के लिए फरवरी बहुत भारी रहा है। इससे पहले 2016 में भी 6 फरवरी और 11 फरवरी को यहां चोरी हो चुकी है और तीनों चोरी का आज तक पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई है। पिस्तौल की नोक पर मंदिर में डकैती। जी हां, अभी हमने 5 फरवरी रात की बताई थी आपको 11 बजे की बात, अब हम सुबह 3 बजे की बात करते हैं उसी दिन की। गुलाबी शहर यानी जयपुर के महावीर नगर से यहां पर बंदूक की नोक पर सुरक्षा गार्ड और सेवादार को खड़ा कर दिया और चोरों ने वहां पर 300 वर्ष प्राचीन मूलनायक पारस प्रभु की अष्टधातु प्रतिमा सहित 3 अन्य अष्टधातु की प्रतिमाएं और 4 सिंहासन और दान पेटी लूटकर चले गए। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई है। 550 वर्ष प्राचीन 3 अति बहुमूल्य प्रतिमाओं की चोरी। जी हां, वहीं गुलाबी शहर से 7 किलोमीटर आगे देहात में चलते हैं बेहराजी में, और बात करते हैं जब फरवरी माह की पहली सूर्यकरण नहीं निकली थी यानी सुबह 1 तारीख को 3 बजे की बात है लगभग, तब बेहरा जी के पार्श्वनाथ मंदिर से 550 वर्ष प्राचीन 3 अति दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों को 4-5 चोर लेकर चंपत हो गए, जहां पर हमारी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इनका लाखों करोड़ों में होगा। अभी तक पुलिस अब 11 दिन बाद भी कुछ पता नहीं कर पाई। 8 दिन में 6 मंदिरों की चोरी स्पष्ट संकेत देता है। 2 जगह की मूर्तियां मिल गई, छत्र मिल गए, 4 में खाली है पुलिस भी। ऐसी अनेकों चोरियां लगातार होती हैं, इस पर संकेत करती है कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। लाखों करोड़ों की हम मंदिर स्थापित करते हैं, जिनालय के जिनबिंब स्थापित करते हैं, पर अपनी मूर्तियों की सुरक्षा नहीं कर पाते। घर में चाकबंद सुरक्षा रखते हैं और अपने मंदिरों के जिनालों की हम सुरक्षा न करने कारण हम नाकाबिल साबित हो पाते हैं। 3 दिनों में 5 संतों का देवलोक गमन है ना, बड़ी दुखी खबर। और शुरुआत करते हैं सड़क दुर्घटना में, 1 संत का काल धर्म और 2 गंभीर घायल। बात हम कर रहे हैं रविवार की सुबह की। 2 जैन संत पैदल विहार कर रहे थे, सीधा बात करें धार इंदौर से अमझेरा तीर्थ से भक्तावर तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी धड़धड़ाती एक कंटेनर आता है, बेलगाम होता हुआ खड़ी हुई पिकवैन पर टक्कर मारता है। दोनों संत धड़ाम से गिर जाते हैं और साथ में चल रहा 7 साल का बालक जो होता है वह वही घटनास्थल पर दम तोड़ देता है। दोनों को प्राथमिक चिकित्सा इलाज से अस्पताल रेफर किया जाता है, वहां भी अस्पताल में इलाज नहीं, उन्हें इंदौर अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। लेकिन चलने में ही रास्ते में मुनि श्री सिद्ध तिलक महाराज जी का काल धर्म हो जाता है और मुनि श्री सिद्ध रत्न महाराज जी अभी भी गंभीर घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। भावनाएं जल्द स्वस्थ हो जाए। 6 साल पहले जहां दीक्षा वहीं पर अब समाधि मरण। बात कर रहे हैं हम रविवार 7 फरवरी सायं 4 बजे की। यहां पर आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में, उनके निर्यपाकाचार्य में, उन्हीं के संगस्थ मुनि श्री श्रुतांशु सागर जी का यहां पर समाधि मरण हो गया। 6 साल पहले इसी प्रतापगढ़ की धरा पर उन्होंने दीक्षा ली थी और कुछ समय से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, उन्होंने समाधि की इच्छा धारण की और फिर उन्हीं के अंतर्गत निर्यपाकाचार्य में उनका अब रविवार को समाधि मरण हो गया। शमनेवाड़ी में मुनि श्री उत्साहानंदी जी का समाधि मरण। सोमवार 8 फरवरी को कर्नाटक के शमनीवाड़ी में मुनि श्री उत्साहानंदी जी का समाधि मरण हो गया और उनकी डोर यात्रा मंगलवार प्रातः निकाली गई।
शीतल तीर्थ में मुनि श्री युक्तिनाथ जी का समाधि वरण, आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी के शिष्य मुनि श्री युक्तिनाथ जी का रतलाम के शीतल तीर्थ में 9 फरवरी को समाधि मरण हो गया दोपहर को 1:30 बजे के लगभग, और 3 घंटे बाद उनकी डोर यात्रा वहीं से निकाली गई। साध्वी श्री प्रागुना महाराज सेब का काल धर्म, रविवार 7 फरवरी को महसाना के श्री नीति उपाश्रय के अंदर महसाना के साध्वी श्री प्रागुना महाराज साहब का काल धर्म हो गया। सभी 5 संतों को चैनल महालक्ष्मी व साध्वी महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आचार्य श्री आदर्श सागर जी का स्वास्थ्य खराब, ग्वालियर में विराजमान है आचार्य श्री आदर्श सागर जी महाराज, उनका दिल हार्ट जो है समय केवल 25% काम कर रहा है। हम लोग भावना बहाएं, प्रार्थनाएं करें मंदिरों में, वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। साध्वी श्री का बाइक से एक्सीडेंट, 5 फरवरी की बात है, पुणे से शिखर जी की ओर विहार चल रहा था साध्वी श्री का कि तभी नागपुर के पास एक बाइक सवार एक जोर से एक्सीडेंट कर देता है, साध्वी जी गिर जाती हैं, चोट लग जाती है, अभी उनका चोटों का इलाज चल रहा है, भावना बहाएं, वह जल्द स्वस्थ हो और अपनी शिखर जी की यात्रा की ओर बढ़ चले। 4 दिन नहीं मिली विधि और हुआ नहीं आहार, फिर क्या हुआ? जी हाँ, यह दृश्य दिखा रहे हैं वो कोमाचल सिटी से, जहां पर आचार्य श्री सन्मति सागर दक्षिण के शिष्य मुनि श्री शांति सागर जी देखिए आहार के लिए निकले हुए हैं, विधि ढूंढ रहे हैं। यह इस समय मुनि श्री विद्या सागर जी के संग में विराजमान है, उनके साथ चल रहे हैं। इन्होंने ऐसी आंकड़े लिए, ऐसे संकल्प लिया कि वह देखिए 100 से ज्यादा श्रावक यहां पर आहार देने को तैयार है। बार बार आप सुनते रहिए आवाज में, देखिए वो कह रहे हैं गोला रखो, वो कह रहे हैं पानी डालो, कोई छत्र रखो अपना, कोई कह रहे तीन रखो, यानी देखिए आवाजें आ रही हैं बार बार विधि बदलने की, जिससे आज उनका मुनि जी का आहार हो जाए। शुक्रवार 5 फरवरी हो जाती है, नहीं मिलती आंकड़ी, शनिवार 6 फरवरी, रविवार 7 फरवरी, और ये 8 फरवरी दृश्य देख रहे हैं, कितने लोग पीछे आवाज दे रहे हैं कि इसको विधि को बदल लो, यह चर्या बदल लो, यह शक्ल बदल लो, ऐसे लोग आ जाओ, लेकिन आहार नहीं हो पाता, 4 दिन आंकड़े नहीं मिलती है। और फिर देख रहे हैं आप अब 8 फरवरी के दृश्य के बाद, यह आप 5, 6, 7, 8 के आगे बाद 9 फरवरी मंगलवार के दृश्य देख रहे हैं, जब कहते हैं उनको विधि मिल जाती है और कितना आनंद समय होता है, आहार हो जाता है, यानी 4 दिन तक निराहार रहने के बाद कोई जल तक नहीं लेते, ऐसे हमारे संकल्पित साधु होते हैं। एक बार अंजलि में संकल्प लिया, जब तक पूरा नहीं हुआ आहार नहीं लिया। शाकाहारी मसाले बटर चिकन से मुकाबला कर डाले बाहरे सुहाना मसाले। जी हाँ, 50 साल से प्रवीण मसाले की कंपनी है बाजार में, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है, और 18 साल से इनका सुहाना मसाले चल रहा है, जिसमें ये शाकाहारी और नॉनवेज दोनों तरह के मसाले परोस रहे हैं बाजार में। एक जैन श्वेतांबर बंधु, एक विज्ञापन चल रहा है इनका 6 दिसंबर 2017 से बाकायदा यूट्यूब पर, और काफी विवादित चल रहा था, जो अब रुक दिया है आज रात से। इसमें एक सिख बालक अपने दूसरे गुजराती शाकाहारी बच्चे को, बहन दोस्त को फोन करता है कि आजा मेरे घर पे, मेरी माँ ने बटर चिकन बनाया है। वह आता है, वापस घर जाता है, घर में सब प्लेट पर, डिनर पर प्लेट पर बैठे होते हैं मेज पर, तो माँ शाही पनीर लाती है, और बच्चा खाकर कहता है माँ आज तो शाही पनीर का स्वाद एकदम बटर चिकन की तरह हो रहा है। यानी हम बच्चों, शाकाहारी बच्चों के अंदर बचपन से ही मांसाहारी शब्दों को इस्तेमाल कर मांसाहार का स्वाद परोस रहे हैं। एक जैन बंधु होते हुए हमने बात की थी, बीती रात उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक महाराज से बात करके तत्काल रोक दिया है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, मैं इसका प्रायश्चित भी लूंगा। अच्छी बात है उन्होंने रोक दिया, पर 3 साल से लगातार चल रहा विज्ञापन ना मालूम चले, ऐसा हो नहीं सकता। हम तो कहते हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सही तो आए, पर जैन होने के बाद हम मांसाहार को ना बढ़ावा दे, अपने मांसाहार रोकिए, शाकाहार को बढ़ाइए, यही भावना पाए। आज है तीर्थंकर श्री श्यामसनाथ जी का ज्ञान कल्याणक, यहां आज पावन दिन है, माघ कृष्ण की अमावस की रात आज कहते हैं, इसके अंदर जैसे ज्ञान का दीपक खिल गया है। आज इन 2 दिन के तप के, 2 वर्ष के तप के बाद तीर्थंकर श्यामसनाथ जी को मनोहर वन के तेंदुवृष्टि से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपके 70 गणधर थे और आपका केवलिकाल 20,99,998 वर्ष, यानी 21 लाख वर्षों से 2 वर्ष कम था। बोलिए तीर्थंकर श्यामसनाथ भगवान जी की जय जय जय। एकमात्र पखवाड़ा आ रहा है 4 तीर्थंकर के जन्म और तप कल्याण का। जी हाँ, कल से शुरू हो रहा है
माघ शुक्ल पखवाड़ा, साल में एकमात्र ऐसा पखवाड़ा है जिसमें चार चार तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक आते हैं, वह साथ में दो ज्ञान कल्याणक भी आएंगे, जैसे परसों आ रहा है वासु पूज्य भगवान का ज्ञान कल्याणक, जिस दिन उन्हें चंपापुर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद आएगा विमलनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक, उसके दो दिन बाद उनका ज्ञान कल्याणक भी है, और फिर लगातार आएगा अजितनाथ जी का, अभिनंदननाथ जी का, धर्मनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक, है ना, एकमात्र ऐसा शुभ मंगल पखवाड़ा जिसका हम अनंत होंगे इन पर्वों के साथ। आचार्य श्री विराग सागर जी द्वारा सलेखनाथ शूल्यगा जी को संबोधन, दृश्य देख रहे हैं आप इस समय कैसे आचार्य श्री विराग सागर जी अपनी शिष्य शूल्यगा जो है सलेखनाथ है, साध्वी श्री विश्व सिद्ध जी शूल्यगा जो है उनको कैसे संबोधन दे रहे हैं, जो सलेखना में चल रही हैं भावनाएं इस जन्म मरण के चक्कर से जल्दी छुटकारा पाए। आज इतनी ही खबरें आपके पास, खूब सारी खबरें आपके साथ लाए हैं, नई नई बातें लेकर आएंगे फिर आपको अगले झरोके में। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।